हरे कृष्णा, दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 31 अक्टूबर। ठीक है, मैंने अभी एक रीडिंग निकाला था लेकिन बहुत ही नेगेटिव आ गया रीडिंग, इसलिए मैं एक और रीडिंग निकाल रहा हूँ। ठीक है, होपफुली रीडिंग पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एंड मैं एक यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि ये दिल से दिल तक बातें हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रयास है, शायद किसी को हेल्प मिल सकती है, किसी का दिल पढ़ने में या किसी की दिल की फीलिंग एक्सेप्ट करने में। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब देखो, उनके दिल में क्या चल रहा है वो तो हमें नहीं पता, ना मुझे पता ना आपको पता। हम बस कोशिश कर सकते हैं, है ना। दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कोई प्यार कर रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कुछ किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, और कोई ब्रेकअप का भी सोच रहा है, है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ओपन माइंड रखिए। ओके, आपको अच्छा लगता है आइए चैनल को ज्वाइन कीजिए, नहीं अच्छा लगता किसी और चैनल के पास जाइए। ओके, थैंक यू, टेक केयर। चलो फिर रीडिंग निकालते हैं। ओके, फिल्म फिल्म का डेक निकालते हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है उनके लिए, कि उनके दिल में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, ये सब फिल्म फिल्म के लिए नहीं है, आप सबके लिए है। ठीक है, और मैं ये ब्लू डेक यूज़ करता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या आता है आज फीलिंग उनकी, क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, तीन कार्ड आ गए और दो कार्ड चाहिए मुझे, एक कार्ड आ गया और एक कार्ड, ठीक है आ गया। चलो, ये और पांच कार्ड लेते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, ओके, ये व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दिस पर्सन इज रनिंग स्लोली। ओके, ये मैराथन में हिस्सा लिया उसने। ओके, ये व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सो लेट हिम और हर रन स्लोली। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अपनी भी चीज़ें कन्फेस नहीं कर रहा है, अपनी बातें कन्फेस नहीं कर रहा है, मुझे तुमसे प्यार है नहीं कह रहा है, इसलिए शायद उसको लग रहा है कि यू नो मुझे धीरे धीरे चलने में ही आसानी होगी। अगर वो फास्ट चला और उसने जस्ट यू नो बस तीन ही दिन हुए हैं आपको मिलके, और अगर उसने कहा आई लव यू, तो आपकी क्या रिएक्शन होगी? यू नो, आप कह सकते कि भाई मैं आपको जानता भी नहीं या फिर आपको जानती भी नहीं, आप कैसे से फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो? मे बी ऐसा हो सकता है, ये आप कह सकते हैं वाओ आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फास्ट, राइट। देखो, इस व्यक्ति के दिल में पैशन तो है, लेकिन एक कब आपको बताएगा ये उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, पैशन तो है और शायद आपको भी लग रहा होगा, आप भी जान रहे होंगे कि यू नो ये व्यक्ति आपको इनवाइट कर रहा है डिनर पे, रेस्टोरेंट में लेके जा रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है। यू नो आप समझ रहे हो कि भाई कुछ तो चल रहा है इस व्यक्ति के दिमाग में, दिल में, लेकिन बता नहीं रहा है ना। तो देखो, पैशन होती है लेकिन वो एक्सप्रेस करनी पड़ती है, या कई बार एक्सप्रेस हो ही जाती है ना, जस्ट लाइक दैट। सो समथिंग गोज ऑन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हो और एक गाड़ी वाला है आपका आपके सामने, ठीक है, धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है। ठीक है, तो आपको पता चलता है कई बार ये व्यक्ति सोच में डूबा है। ठीक है, जैसे आप उसको ओवरटेक करते हो, आप उसकी तरफ देखते हो, तो आपको समझ में आएगा ये व्यक्ति सोच में डूबा हुआ है ऐसा। तो वैसे ही किसी के दिल में अगर पैशन है, तो आप समझ रहे हो कि भाई ये व्यक्ति के दिल में पैशन तो है लेकिन अभी तक मतलब बोल नहीं रहा है, बयां नहीं कर रहा है, क्या है उसके दिल में। ओके, नेक्स्ट कार्ड, हियर शी गोज़। वाओ, उसको वो आपको देख रहा है, आप जा रहे हो, आप उसके सामने से गुजर रहे हो। ओके, शायद ये आपकी बहुत करीब है, आपकी बहुत करीब रहता है। ठीक है, आपको जान रहा है। ओके, कि क्या चल रहा है आपके दिल में। यू नो, ये आपको देखता है, आपको एडमायर करता है, आपकी ब्यूटी को एडमायर करता है। ठीक है, जस्ट यू वॉन्ट टू यू नो, कुछ मतलब ऐसे पल होते हैं जब वो सिर्फ आपको देखना चाहता है, सिर्फ देखना। जैसे कि मान लो आपकी एक झलक, लाइक यू आर एन एक्ट्रेस, वाओ यू आर एन एक्टर। कितने लोग हैं जो दीवाने होते हैं, जैसे कि किसी को अमिताभ बच्चन की फिल्म में डाला था, अमिताभ बच्चन की टांग दिखी, यानी नो लाइक मैं, सो जिस इमेजिन वो आपको देखने के लिए आता है। मे बी आप सुबह जॉगिंग करते तो सिर्फ आपको देखने के लिए आएगा। इमेजिन, जस्ट इमेजिन कितना मतलब पैशन है उसके दिल में, वो आपको एक झलक पाने के लिए तरस रहा है। ठीक है, इसका है सेक्सुअल अटेंशन। ओके, ये एक चीज़ है, सेक्सुअली वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है। ओके, सो अगर ऐसा है तो ट्रेड कीजिए बहुत ही स्लोली, क्योंकि पैशन है तो सेक्सुअल चीज़ें आती हैं, ये तो बहुत ही यू नो आसान बात है, मामूली बात है। लेकिन अगर आप सेक्सुअली कनेक्ट होते हैं उसके बाद अगर ब्रेकअप होता है तो तकलीफ हो सकती है। सो कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर हवा में ही रहें तो अच्छा है, जैसे कि उड़ता महल या फिर हवा महल, यू नो हवा महल है इसलिए अच्छा है, वरना ऐसे कितने सारे महल हैं जो ज़मीन पर हैं,
कुछ रिलेशनशिप में रोमांस जब तक अलाइव है तभी वो अच्छा लगता है, यू नो, आज उसने मुझे प्रपोज़ किया, आज उसने मुझे डेट किया, या फिर वो मुझसे बातें कर रहा है, उसने मुझे स्माइली भेजा, ये भेजा, वो भेजा, यू नो, इट्स लाइक दैट. लेकिन जब कनेक्ट होते हो फिज़िकली, उसकी बात चीज़ें अगर अलग हो जाती हैं, तो यू नो यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड कि मैं करूँ तो क्या करूँ. ओके, नेक्स्ट कार्ड आ गया आपके लिए लोनलीनेस. देखो लोनलीनेस आ रहा है, इसका मतलब है शायद आपने उसका सेक्सुअल अटेंशन को इग्नोर कर दिया है, ठीक है, या फिर सेक्सुअली बातें हो चुकी हैं, देयर कुड बी सम फिज़िकल थिंग्स हैपेंड एंड नाउ यू आर फीलिंग लोनली. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के लाइफ में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं. ओके, देखो फंक्शन चल रहा है, फंक्शन शायद किसी फंक्शन में जाने की तैयारी चल रही है. ओके, या फिर सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप को किस तरह से फंक्शनिंग किया जाए. ओके, तो शायद उससे आपका बात करना भी बाकी है, या फिर देयर हैव बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन बोथ ऑफ यू. ठीक है, ट्विस्ट आने वाला है आप दोनों की लाइफ में अगर आप एक दूसरे से जुड़ा हुए हैं. ठीक है, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, सेपरेट हैं, आपके दिल में, आपके लाइफ में ट्विस्ट आ सकता है. ठीक है, देखो वैल्यू करने की दूसरे की बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ईच अदर, यू नो, अगर वैल्यू ही नहीं तो क्या होगा, है ना. जैसे कि कुछ लोग मिलते हैं, जैसे इमेजिन कुछ लोग मिले कहीं पे किसी फंक्शन में, प्यार हो गया, इश्क हो गया, सेक्सुअल चीज़ें हो गई, और फिर कह रहे हैं गुड बाय, क्या हो गया वैल्यू उसमें, दिस इज़ अ वैल्यूलेस रिलेशनशिप. ठीक है, देखो मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन. ठीक है, तो क्या मिस्टेक हो रही है आपके रिलेशनशिप में, कहाँ पे आप गलत हो रहे हो, उसको एक्सेप्ट कीजिए, यू नो, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, फिर ये हमें नहीं करना चाहिए, नो लाइक वाइज. तो अगर ये काउंट करोगे तो आपको सही समझ में आएगा. एंड फाइनल कार्ड है जॉब स्ट्रेस. तो ये व्यक्ति जॉब स्ट्रेस में है, उसकी वजह से उसको एक कंपेनियन चाहिए जिसके साथ वो एटलीस्ट कुछ बातें शेयर कर सके, है ना. जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत जॉब स्ट्रेस में, अरे यार 11 बज के रात के फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, यू नो, तभी उसको आपका मैसेज आता है, क्या कर रहे हो, यू नो, एंड लाइक दैट, खाना खाया, या फिर यू नो कि हाउ इज़ योर डे. तो कितना अच्छा लगता है उसको, बस आपकी प्यार भरी आवाज़, या फिर कोई मुझसे प्यार करता है, किसी को मुझसे इश्क है, वो मुझे कॉन्टैक्ट करता है, कितना अच्छा लगेगा उस व्यक्ति को. एंड नेक्स्ट जो आ रहा है, देखो टेम्पटेशन आ रहा है यहाँ पे. ओके, तो ये व्यक्ति टेम्प्ट हो रहा है आपकी तरफ, वाओ, टेम्पटेशन, अगेन सेक्सुअल चीज़ें यहाँ पे हो सकती है. ओके, टेम्प्ट हो रहा है, कुछ कम्युनिकेशन आपके बीच ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको लगेगा कि येस, दिस इज़ गोइंग अ बिट फर्दर. ठीक है, अभी आपके कम्फर्ट जोन में है कि कैसे आप जाना चाहेंगे. एक साथ कहीं पर वेकेशन पर जाना चाहता है, डेफिनेटली ही वुड लाइक टू एक्सप्लोर यू मोर. ओके, पजल में हो आप, शायद ये पजल में आप हो और ये भी है कि क्या जवाब होगा आपका, क्या आप हाँ कहोगे ना कहोगे. ठीक है, लेकिन इसको पता है प्यार तो है आप दोनों के बीच, रिलेशनशिप है. एंड फाइनल कार्ड आ गया है रिलैक्स. तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप उसे हाँ कह सकते हैं, या फिर आपने कहा है कि रिलैक्स, इतनी भी क्या जल्दी है जनाब, है ना. तो शायद ये चीज़ें हो सकती हैं. देखो ये उसके दिल में चल रहा है, ये उसकी छोटी सी ख्वाहिश हो सकती है, बयां करे या ना करे डिपेंड हो सकता है. ठीक है, लेकिन सेक्सुअल चीज़ों के एनकाउंटर के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो बी एट योर ओन रिस्क. ठीक है, यहाँ पे कार्ड आ गया है, नंबर आ गए हैं वी, फिर नंबर आ गए 3 या फिर 6 ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, ये आ गया है एम या डब्ल्यू. ठीक है, ये आ गया एस, सॉरी 5. ओके, फिर आ गया है ई. ओके, ये आ गया है ओ, ये आ गया 0, वो आप लिख सकते हैं. फिर आ गया 6 और 9. ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग. आई होप इट रेजोनेट विथ यू. थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. साइनिंग ऑफ, मी एंड यू.